साथियों, सत्ता भूख में कांग्रेस के परिवार ने संविधान की पंथ निरपेक्षता की भावना को चूर चूर कर दिया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस समय 47 में विभाजन की विभीषिका के बीच भी हिंदू संस्कार और परंपरा को जीते हुए पंथ निरपेक्षता की राह को चुना था। तब देश के महापुरुषों ने संविधान सभा में जो डिबेट की थी उसमें भी इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के इस परिवार ने झूठे सेक्युलरिज्म के नाम पर उस महान परंपरा को तबाह करके दब दिया है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, और ये विश्वासघात मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। संविधान के साथ इस परिवार का विश्वासघात है। दशकों तक कांग्रेस ने देश में यही खेल खेला। कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। दिल्ली के लोग तो चौंक जाएंगे। हालात ये थी कि 2014 में इन लोगों ने सरकार से जाते जाते दिल्ली के आसपास की अनेक संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है। साथियों, कांग्रेस के शाही परिवार की सत्ता भूख इतनी विकृति हो गई है कि उन्होंने सामाजिक न्याय की भावना को भी चूर चूर कर दिया है। एक समय था जब कांग्रेस के नेता इंदिरा जी समेत खुद जात पात के खिलाफ बोलते थे, पब्लिकली लोगों को समझाते थे, एडवर्टाइजमेंट छापते थे। लेकिन आज यही कांग्रेस और कांग्रेस का ये परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। इन लोगों ने सामाजिक न्याय का गला घोंट दिया है। साथियों,
एक परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है कि ये वो कांग्रेस नहीं है। इसलिए कांग्रेस में आंतरिक रूप से असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उनकी आरती उतारने वाले भले आज इन खबरों को दबा के रखे, लेकिन भीतर आग बहुत बड़ी है। असंतोष की ज्वाला भड़क चुकी है। सिर्फ एक परिवार के ही लोगों को कांग्रेस चलाने का हक है। सिर्फ वही परिवार काबिल है, दूसरे नाकाबिल है। परिवार की सोच ने, इस जीत ने कांग्रेस में एक ऐसा माहौल भी बना दिया कि किसी भी समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता आज सिर्फ और सिर्फ परिवार है। देश की जनता उनकी प्राथमिकता नहीं है। और जिस पार्टी की प्राथमिकता जनता ना हो, वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही नुकसानदायी होती है। साथियों, कांग्रेस का परिवार सत्ता के बिना जी नहीं सकता। चुनाव जीतने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। दक्षिण में जाकर उत्तर को गाली देना, उत्तर में जाकर के दक्षिण को गाली देना और विदेश में जाकर देश को गाली देना, और अहंकार इतना कि ना किसी का मान, ना किसी की मर्यादा, और खुले आम झूठ बोलते रहना, हर दिन एक नया झूठ बोलते रहना, यही कांग्रेस और उसके परिवार की सच्चाई बन गई है। आज कांग्रेस का अर्बन नक्सलवाद भारत के सामने एक नई चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। इन अर्बन नक्सलियों का रिमोट कंट्रोल देश के बाहर है, और इसलिए सभी को इस अर्बन नक्सलवाद से बहुत सावधान रहना है। आज देश के युवाओं को, हर प्रोफेशनल को कांग्रेस की हकीकत को समझना बहुत जरूरी है।